असल व्यूवर्स, अब सऊदी अरब जाने वाले पाकिस्तानी के लिए अच्छी खबर है, और वो अच्छी खबर ये है कि वो फाइजर वैक्सीन जिसकी खेप पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तानी हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो सिर्फ हज पर जाने वालों के लिए यानी हजाज के लिए अवेलेबल होगी, तो जो कि सऊदी अरब में सिर्फ सऊदी अरब के अंदर रहने वाले गैर मुल्कियों और सऊदियों को परमिशन दी है हज अदा करने की, वो भी एक मखसूस तादाद में, यानी सिर्फ 60,000 लोग हज की जो सआदत है वो इस साल भी हासिल कर सकेंगे कोरोना की वजह से। तो जनाब, ये फाइजर वैक्सीन अब अवेलेबल होगी उन तमाम लोगों को जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अभी तक जो है वो सऊदी अरब ने फ्लाइट्स पर से बैन ख़त्म नहीं किया, लेकिन आप ये फाइजर वैक्सीन लगाकर ट्रांजिट वीज़ा के तौर पर या अफगानिस्तान के ज़रिए या दूसरे ममालिक से जहाँ से फ़्लाइट्स ओपन हैं वहाँ सऊदी अरब जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने फाइजर वैक्सीन लगवा ली, उसका सर्टिफिकेट है, तो आपके लिए फिर सऊदी अरब जाना आसान है। वहाँ पर आपको इवन क्वारंटीन भी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सऊदी अरब की मंजूरशुदा वैक्सीनेशन हैं उनमें फाइजर वन ऑफ देम, और सऊदी अरब के अंदर भी फाइजर और एस्ट्राज़ेनेका ही लग रही है। तो अब जो पाकिस्तान में खेप है उससे वो लोग फ़ायदा उठाएंगे जिन्होंने सऊदी अरब जाना है, जो अकामा होल्डर्स वहाँ के वर्क वीज़ा होल्डर्स हैं उनको लगाई जाएगी, और इसके बाद उम्मीद बन जाती है जनाब आप लोगों के सऊदी अरब जाने की। ये मुश्किल तो आप लोगों की हल हो जाएगी बहुत जल्द। अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि डेली बेस पर ये न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।